प्रो वाई बर्रा था श्रीवर भाई जान, स्वागत है तुम्हारा पोकेमॉन अनबॉर्न के एक और नए एपिसोड में। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमारा जो मेन क्वेस्ट था, हमें बचाना था जैक्स के ग्रैंडफादर के फ्रेंड को, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच ना सके। एंड इसीलिए हम लोग एक साथ उस लाइक के बटन को क्लिक करेंगे। या फिर कर दिया तुमने? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज के एपिसोड में हम यहाँ पे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे जिम लीडर को फाइंड करना है। वेल, तुम लोग ने मुझे पहले ही बता दिया कि हमारा जिम लीडर कहाँ है, तो डायरेक्टली वहीं पे चलते हैं। एंड यही शायद जिम लीडर, वेल लेट्स सी कि ये क्या बोलते हैं हमको। गॉस, कभी कभी मुझे सिटी से बाहर निकल के नेचर की खूबसूरती का मजा उठाना चाहिए। जैसे कि मुझे ये पसंद है कि प्रकृति अपना रंग कैसे बदलती है। गुड लुक नेचुरली नहीं आता, उस पर इफर्ट लगाना पड़ता है। खूबसूरती सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आई थिंक सो। देखो, ब्यूटी है, लेकिन बाहर की ब्यूटी के तुम बारे में अगर बात कर रहे हो तो नो, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अंदर की ब्यूटी को बारे में तुम बोल रहे हो तो यस, आई थिंक सो। यस ही कर देते हैं, वैसे भी छोड़ो जो भी है यार। राइट पार्टनर, मैं समझ सकता हूँ इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। ये जगह मेरी रूटीन में परफेक्ट बैठती है। जब मैं यहाँ से जिम वापस जाऊँगा तो यहाँ पे जो मिस्ट ऊपर से गिरेगी वो मेरे शरीर से टकराएगी और मेरे टोन को चेंज कर देगी। तुम इसको छू सकते हो अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, हमको छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह सॉरी, मेरा नाम मिल है, मैं हूँ फॉल्सवर सिटी का जिम लीडर। सॉरी, मैं जिम में नहीं था, लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ जिम में टाइम देने की। उससे बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन जो लड़की वहाँ जिम में है उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एनीवे, मुझे लगता है मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ पार्टनर। यस भैया जाओ, एंड हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं उसी जिम की ओर। एंड लेट्स सी, वैसे तो वो नॉर्मल टाइप जिम है, लेकिन तुम लोग बोल रहे थे कि कुछ अलग टाइप का चीज़ है, तो मैं डायरेक्टली तुमसे वहीं मिलता हूँ पहुँचने के बाद। सो या गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पे इस टाउन में। वैसे तुम लोग ने बोला था कि एक जगह हमको एक मिलने वाला है, वेल लेट्स सी। आई थिंक यही वो घर था, शायद से ये दादी माँ देती है क्या। दादी माँ दे दो, यस ओके। एंड तुम लोग ने बोला था इसमें एक फेरी टाइप पोकेमॉन मिलेगा, एंड कौन सा फेरी टाइप पोकेमॉन है वो तो तुमको पता ही यार। फेरी मतलब एक है, फेरी है, समझ जाओ यार। क्योंकि अभी से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। ओके चलो, यहाँ पे मेन काम हम लोग कर लेते हैं जो कि है जिम। ओ भाई साहब, पहले इनसे बात कर लिया जाए। चैंपियन बन रहे हो, कैसा तुम्हारा बैटल चल रहा है? फॉल्सवर जिम में तुम्हारा स्वागत है। कुछ फ्रेश वाटर चाहिए जो कि डायरेक्टली जिम के पॉन्ड से आया है? ओ यस यस, हर बार की तरह तुम दे दो हमको फ्रेश वाटर। मिल, वेल वो एक नॉर्मल गाय है, अगर ये नॉर्मल टाइप जिम रहता तो यहाँ पे फाइटिंग टाइप्स काफ़ी रहते हैं उसको हराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जिम में सारे इन्वर्स बैटल चलते हैं। इन्वर्स बैटल? अब ये किस बल्ला का नाम है भैया? इसका मतलब जितने भी टाइप्स मैचअप होंगे सारे बदल जाएंगे। ओ भाई, सारे टाइपिंग्स बदल जाएंगे, मतलब जो नॉर्मल में इफेक्टिव है वो उस पर इफेक्टिव नहीं रहेगा, और जो उस पर इफेक्टिव नहीं है वो उस पर इफेक्टिव रहेगा। भाई हमारे पास गोस्ट है टाइप है कहाँ, और नॉर्मल टाइप पे कोई इफेक्टिव या सुपर नॉट वेरी इफेक्टिव तो होता ही नहीं। ओ भाई सीरियसली मैन, तो क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा टाइप बढ़िया रहेगा? ऑफ कोर्स यार, गोस्ट टाइप। तुम सही हो। ओ भाई अब मुझे डर लग रहा है यार, कोई गोस्ट टाइप हमारे पास नहीं है। अगर तुम्हें इस तरह का बैटल का प्रैक्टिस करना है तो तुम इन्वर्स टावर में जा सकते हो। नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है कि हम वो इन्वर्स बैटल टावर में जाएं। अगर तुम तैयार हो तो उस स्लाइड में कूद जाओ। तुम्हारा गोल रहेगा लैप्रस को यूज़ करके रास्ता ढूंढना, लेकिन एक बार चेक कर लो कि तुम्हारे पास सारे सप्लाईज हैं। तुम्हें वापस आने के लिए मिल तक पहुँचना होगा। ओके, हमारे पास सप्लाईज होने चाहिए भाई, मतलब सुपर पोशन होने चाहिए, क्योंकि रिवाइव तो यहाँ मिलते नहीं। तो एक हाइपर पोशन है हमारे पास, सुपर पोशन, सुपर पोशन काफ़ी है यार, आई थिंक इतने काफ़ी ही रहेंगे। सो या चलो चलते हैं। ओ भाई साहब अब मज़ा आएगा यार, इन्वर्स बैटल। भाई साहब देखते हैं, पहले मैं अपने पोकेमॉन्स देख लूँ। एक बार हम लोग आगे ले आते हैं शायद से लोहा को, क्योंकि एक इसके पास ओ भाई फाइटिंग टाइप तो यहाँ पे सुपर इफेक्टिव है ही नहीं, हम क्या ही करेंगे। कहाँ जाना? ओ भैया हिप हॉप, मतलब कूदने वाला जो सिस्टम रहता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता।
हम दो जगह जा सकते हैं, नहीं तो अरे भाई डरना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से इसको भी हरा लेते हैं। वेल यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? नहीं इस पर भी सुपर इफेक्टिव नहीं है यार, अपोजिट टाइपिंग है, इनवर्स टाइपिंग है यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, वैसे भी हम जीत रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके भैया से भी यार मेटाग्रॉस है यार। ओके चलो ठीक है। एंड एक मिनट मैं पोकेमन चेंज कर लेता हूँ, मेटाग्रॉस को शुरुआत में नहीं रखना चाहिए। आई एम गोइंग विथ थंडी, हमारे पास थंडी है ना। वेट अ मिनट, मेरे पास एक आइस स्टोन है, हम अभी यूज़ कर लेते हैं आइस स्टोन, बाद में क्या यूज़ करें। तुम लोग ने बताया था कि हम लोग को आइस स्टोन से इसको इवॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में ये इवॉल्व होगा नहीं। तो ठीक है भैया, अब तुम्हें पता ही क्या होने वाला, सिंपली अब हमारा थंडी बन जाएगा अलोलियन नाइन टेल्स। यस भाई, ओ भाई साहब दैट्स नॉइस मैन। ओके चलो थंडी ठीक है, अब लगता है थंडी कमाल कर देगा। ग्लीजर ग्लीम, ओ भाई गोस्टी भाई हैक्स है इसके पास। मैन मुझे ध्यान में नहीं था इसके पास हैक्स भी है। ओके अब मजा आएगा ना यार, अब बिल्कुल मजा आएगा। लेकिन ये ज़्यादा लेवल्ड नहीं है, अफकोर्स हम इसको आगे में रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा लेवल्ड हो जाए। चलो भैया ठीक है, थंडी यहाँ पे कमाल कर सकता है। उसने बोला था लैप्रेस हमको ले जाएगा, तो इधर साइड चले कि उधर साइड चले, ये कन्फ्यूज़न है। हम चलो इधर साइड ही चलते हैं। ओके लैप्रेस ले चलो हमको झरने के ऊपर। ओके भैया लेट्स सी, यहाँ भी कूदने वाला है हिप हॉप सिस्टम। ओ भाई ऊपर चल के देखते हैं। एंड थंडी तो यहाँ कमाल कर सकता है, यही मुझको उसमें उससे उम्मीद है। ओके लेट्स सी ये लीफ क्या है। ओ बस इसी तरह डिज़ाइन के लिए। ओ भाई साहब मुझे लगा कुछ है साथ से, वेल जो भी है यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, इसको भी लगता है हराना ही पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं हेक्स। यस दैट इज सुपर इफेक्टिव, फिर भी उतना नहीं दिया डैमेज। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नाइन टेल्स हम तुमको पोषण दे देंगे, चिंता मत करो। ओके एक्स फिर से। ओ भाई साहब अरे यार नहीं, इतना नहीं इतना मत डैमेज दो। इस बार हम लोग किसको ले आए, लोहा आ जाओ। ओके एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइकिक, नहीं एक और मूव लगेगा यार इसके। अरे भाई लोहा पे तो ग्राउंड टीप मूव ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तुम लोग कछुआ को ले आते हैं, ऑफकोर्स कछुआ काम करेगा। रेजर सेल, ओके भाई चलो ठीक है कछुआ तुमने तो कमाल कर दिया। यार कमाल नहीं किया, जो भी किया ठीक किया। ओके यहाँ पे हम लोग पहले पोशन यूज़ कर लेते हैं अपने थंडी पे। यस थंडी कोई बात नहीं, थंडी फुल कर लो अपना हेल्थ। एंड चलो चल के देखते हैं भाई, यहाँ पे रास्ता तो था ही नहीं, उधर हम जाए कैसे क्योंकि इधर से तो कोई रास्ता नहीं है। आई थिंक वहाँ शुरुआत में ही एक रास्ता था, कहीं हमको वहाँ तो नहीं जाना। वेट अ मिनट, हम यहाँ से वापस जा सकते हैं ना? आई थिंक सो हम जा सकते हैं, एक बार हम चल के देखते हैं। ओके ओ भाई साहब आई थिंक इधर से एक रास्ता है, बीच वाला रास्ता, लेट्स सी यहीं से चल के देखते हैं। ओ भाई यहाँ ट्रेनर है, लड़ना तो हमको पड़ेगा भैया, कोई बात नहीं होता है होता ही। ओके जल्दी से इसको भी हराते हैं, इसके पास एक ही पोकेमन है। यार इनवर्स टाइपिंग है यार, यही तो दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है वो एक ही मूव में चली गई। यहाँ से चलते हैं भाई, कूदने में तो जो मज़ा आता है मत पूछो। यहाँ से आई थिंक ये वाला सही रास्ता होना चाहिए यार। नहीं लेडी इतना मत तरसाओ यार क्या। ओके कोई बात नहीं, पहले जल्दी से इसको भी हरा लेते हैं म्याउथ को। ओ भाई म्याउथ ज़्यादा कुछ मत करना हमको, चलो ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट पी चेंज हमको नहीं करना क्योंकि पर्सियन है भाई, इसका हेक्स का पीपी भी तो जा रहा है, लगता है मुझको एक बार हील करवाना ही पड़ेगा पोकेमन्स को। कोई बात नहीं चलो ठीक है, हम भाई सीधा चले कि इधर चले, ये कन्फ्यूज़न है अभी फ़िलहाल। एक बार हम सीधा ही चलते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ से मुझको याद है यहाँ पे एक ट्रेनर था ना। क्या करें अब, क्या करें भैया। वेट अ मिनट, हम इधर से चलते हैं, इधर तो ट्रेनर है एंड इधर तो कुछ है नहीं भैया। ओ भाई व्हाट इज दिस, पोकेमन अटैक व्हाट। लूडी क्यूलो नहीं, हमको नहीं लड़ना, पोकेमन गया। ओ भाई ले चलो, अब कहाँ चले। कुछ हुआ क्या, कुछ नोटिस किया तुमने, कुछ अलग चीज़ हुआ या नहीं? आई थिंक नहीं हुआ है, तो वाई नॉट हम लोग इधर से ही चलते हैं।
चलो लैप्रस तुम ही ले चलो हमको, मुझको पता है। ओ भाई ओ भाई, कुछ देखा तुमने उधर? लैप्रस ने कुछ प्लांट किया ना? मैं जल्दी में था इसलिए मैंने देखा नहीं, साथ उसने कुछ प्लांट किया वहाँ पे। हमको क्या फिर से घूम के जाना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये बाइक्स अलाउड है यार क्या? क्योंकि यहाँ पे टाइम लग रहा है जाने में। नहीं, इधर से ही चलते हैं, वैसे भी इसको तो हमने हरा ही दिया है। चलो ठीक है लैप्रस, हमको ले चलो तुम्हारी सवारी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओके देखो लैप्रस यहाँ पे आ गई ना। आई थिंक सो यहाँ पे लैप्रस थी नहीं। लैप्रस ओके, और जगह खुला है, यहाँ से हम डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं। वेट, इधर चल के देखते हैं, यहाँ भी एक लैप्रस है। मुझे नहीं पता ये कहाँ ले जाएगा हम। ओ भाई पहुँच गए हम, लेकिन ठंडी की हालत ख़राब है, तो एक बार मैं हील करवा के फिर से यहीं पे आता हूँ। ओके गाइज, आई थिंक हमारा टाइम हो चुका है, तो यहाँ चलना चाहिए। वेल, पहले इनसे बात कर लिया जाए। गुड डियर पार्टनर, तुम्हें देख के अच्छा लगा। आई होप मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो जगह तुमको पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया है तो मुझे लगता है तुमको अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाना चाहिए। चलो बैटल करते हैं। ओके भैया, टाइम हो गया है तुमको धूल चटाने का। भैया तुम लोग ने तो मुझको पहले ही डरा के रखा था, ये बहुत पावरफुल है। वेल 47 लेवल के पोकेमॉन मेरे 44 लेवल के। मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अब तो बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझको नहीं पता हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तुम्हारा काम है लाइक करना, तुम करना। 80 पोशन बचे हमारे पास, कोई बात नहीं। भाई साहब, इसने फेकेट का डैमेज दिया है, इतना डैमेज मत दो यार, कैसे हम बचेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग कल क्रंच कर लेते हैं। यस क्रंच भाई सुपर इफेक्टिव था, फिर भी इतना ही डैमेज दे रहा है। अरे कुछ तो डैमेज दे दो, कैसे होगा काम, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा। गया भाई, ठंडी आ जाओ ठंडी, मुझको तुम पे भरोसा नहीं। हाइपो पोशन नहीं यार। ओ भाई साहब, एक और मूव ये जाएगा। भाई हेक्स ने बहुत कमाल कर दिया इस पे, मुझको नहीं लग रहा था इतना डैमेज देगा हेक्स। मिल्टेंग के लिए मेरे पास हरियाली है, हरियाली का लिस्ट सीड, उसको एनर्जी ले लेके मारेगा। ओके लिस्ट सीड, अपना कमाल दिखाओ, पावर हिट नहीं हुआ कुछ उतना। वेल हम लोग कर लेते हैं स्लैम, नहीं गीगा ट्विन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा आई थिंक। चलो ठीक है भैया, पावर हिट से नहीं हुआ कुछ यार, इतना चिंता मत करो, हम अभी है पावर में। ओके आई थिंक भाई साहब इसका यही मूव मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, विटनी के खिलाफ इसी ने हरा दिया था। ओके यार, डिगल पी के सामने तो ग्रास टाइप मूव्स काम नहीं करेंगे, लेकिन लिसिट तो काम करेगा। ओके कोई बात नहीं, तुम फोकस करते रहो, तुमको उसी तरह से झूल चटाएंगे। भाई यार चेंज क्यों कर लेता है? ओ भाई लिसिट, अरे लिसिट भाई ये तो दूध पी के, अपना ही दूध पी के ये इतना HP क्यों बढ़ा रहा है भाई? ओ भाई मुझको डर लगता है यार, मिल्टैंक से मुझको सही में डर लगता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ यार। ये चेंज इतना मत करो, इतना मत करो, इतना बच्चे के साथ अन्याय मत करो यार। लिसिड, ओ भाई चलो ठीक है। हम लोग करते हैं स्लैम ही करते हैं यार इस पे। भाई यार स्लैम भी मिस हो गया, देखो पैरालाइज भी हो गया, और कुछ चाहिए, और कुछ करवाना है? प्रेस वाटर से नहीं, फुल हील मेरे पास भाई, इसमें रिवाइव का कमी रहता है, फुल हील हम कहाँ से लाएंगे? पैरालाइज हील ही कर लेते हैं, एक बार पैरालाइज हट जाए फिर करेंगे हम लोग अपना काम। ओके स्लैम करते पहले भाई यार, चेंज ये कितना आवाज चेंज करेगा। ओके पावर हिट के सिवाय इसके पास कोई मूव नहीं है क्या? कर नहीं रहा। हम लोग कर लेते हैं गीगा रेन, थोड़ा सा HP फुल हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा HP हमारा। मिल रहा भाई, और कितना दूध पिएगा तो ये मतलब दूध पी के हमको हरा रहा है। ओ भाई ओके कोई बात नहीं गीगा रेन, नहीं क्यों चेंज कर रहा है इतना? भाई एक मूव और ये तो जाएगा स्लैम, नहीं यार ये बिल्कुल टफ होने वाला है, इतना टफ कैसे हो गया? कुछ ज़्यादा ही टफ नहीं है, क्या लगता है तुमको हम जीत पाएंगे? हम करते हैं स्लैम। ओ भाई नहीं, एक और मूव गया भाई, कम से कम डिगल भी तो गया, ये भी बहुत परेशान कर रहा था यार। नील टेक्निक्स पोकेमॉन है, नहीं यार हरियाली का तुमने कमाल देखा, हरियाली इसीलिए मुझको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसको लिया था, एंड ये अपना काम बखूबी निभा रहा है। चलो ठीक है गीगा रेन, ओके पावर हिट कुछ नहीं होगा हमको, फिर से इसने अगर मिल रिंग किया ना तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई, हार जा। नहीं यार
फिर से मिल रिंक। ओ भाई साहब गीगा रोई नहीं करते हैं। ओके ओके नहीं यार, कितनी बार कर सकता है, कितनी बार, लिमिट कितनी है तुम्हारी, नहीं बताओ कितनी बार हो सकता है। ये कौन है? लूपुनी। ठीक है, इसको भी हरा ही सकते हैं भाई। नहीं, मेगा इवॉल्व भाई, तक तक इसका 48 लेवल का 48 लेवल का पोकेमन, हमारा 44 का ऊपर से उसका मेगा इवॉल्व है। नहीं, मैं नहीं जाता इस बार, मैं नहीं हारूंगा। हरियाली, हम दोनों कर सकते हैं, यू नो हमारे पास कितनी ताकत है, हम लोग इसको फरिया सकते हैं। हरियाली हम लोग कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। ओ भाई साहब गीगा रेन, नहीं हरियाली, हरियाली मेरे हरियाली। ओ भाई साहब ठंडी बाकी है, ठंडी को ही लाते हैं, हिक्स कर लेते हैं हम लोग भाई। नहीं चेंज नहीं, हिक्स हिक्स से कुछ नहीं हुआ इतना कुछ। ओ भाई हिक्स ही करते हैं, और कुछ तो है नहीं हमारे पास। ये मिल रिंक ना कर ले, बस उसी का डर लगता है मुझको। और भाई ये पैकेट भी करता है, उससे भी डर लगने लग गया। तो क्या करें, साइकिक पैकेट भाई साहब। ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, एक ही पोकेमन बचा है मेगा इवॉल्व वाला। ओ मैन सीरियसली, कछुआ आ जाओ, मुझको कछुआ पे भरोसा है भाई। ये लास्ट लुक है इसका, वी आर गोइंग टू यूज फ्रेश वाटर लोहा पे। ओके भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिकर रेजोसिल, रेजोसिल भाई। कछुआ तुमने कमाल कर दिया, वी हैव वन दिस बैटल भाई, मजा आ गया। मतलब सीरियसली तुमने देखा हर एक मूव पर मैच इधर से उधर पलट रहा था, माय गॉड। ओ भाई लेट्स सी, लेट्स सी। तुमको पता है हम अभी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, साथ से बड़े बड़े पत्थरों को हटा सकते हैं। ये रहा हमारा फॉल बैच एंड 60 लेवल के पोकेमन अब हमारा कहना मानेंगे। ओ भाई फैकेड भाई बहुत अच्छा अटैक था, लेकिन अभी मैं नहीं सिखाना चाहता। एंड ये इनवर्स बैटल वाला सिस्टम हटा दो, कचरा सिस्टम है तुम्हारा। ओ भाई तंग कर दिया इसने, चलो कोई बात नहीं, लैप्रस ले चलो हमको अपनी मंजिल की ओर। एंड तुम लोग ने बोला कि हम हर बार भूल जाते हैं इसे सामान लेना, तो इस बार जीतने के बाद भी इसे सामान ले लेते हैं। यस ओ पावर जिम, पावर जिम ही ना, नहीं नॉर्मल जिम है। वेल इसका उतना कुछ काम नहीं है, कौन से ही पोकेमन को हम अपना होल्ड करवाएंगे, जो भी है आई थिंक आज के लिए यार काफ़ी है। देखो मुझको थोड़ा सा काम है यार, काम आज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इधर उधर। चलो ठीक है, मिलूंगा फिर से तुमसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।